परिसर में नगर निगम द्वारा चलाए गए अतिक्रमण के खिलाफ वकीलों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इनका आरोप है कि नगर निगम टीम ने पक्के बने चैंबरों को भी तोड़ दिया था। बता दें कि टीम मुरादाबाद कचहरी परिसर में भारी फोर्स के साथ पहुंची। नगर निगम की टीम ने अवैध रूप से बनाए गए वकीलों के दर्जनों अस्थायी चैंबरों को ध्वस्त कर दिया था। नगर निगम टीम अपने साथ जेसीबी लेकर पहुंची थी, जिसने कमिश्नर चौराहे से लेकर एसएसपी ऑफिस तक सड़क के बीच बनाए गए चैंबरों का ध्वस्तीकरण कर दिया था, जिसके विरोध में कुछ वकीलों ने अपना विरोध भी दर्ज कराया था। और आज इसी मुद्दे को लेकर सुबह से ही अधिवक्ताओं ने कचहरी परिसर में घूमकर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी और अपना एक मांग पत्र डीएम को सौंपा। वहीं सीओ सिविल लाइन दीपक भूकर ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर फोर्स लगाई गई है। मुरादाबाद से संवाददाता बाजी तली की रिपोर्ट। चार पांच दिन यहाँ तक आ जाओ, डीएम साहब आ रहे हैं। देखिए तीन बातें हैं जी, प्रशासन से तो हमारी ये लड़ाई है कि हमारी कोई बात सुन नहीं रहे हैं और इधर उधर को टाल रहे हैं। जिस तरीके से हमारी रजिस्ट्री का ऑफिस है जी, एक डेढ़ साल हो गया हमें परेशान होते हुए, और आश्वासन देते हैं फिर पीछे हट जाते हैं। दूसरी बात यह है, जो कल हमें नोटिस दिया था इन्होंने, तो 10-12 चैम्बरों का दिया था जो डिवाइडर पे थे जी। और इन्होंने पूरी लाइन के जो पक्के चैम्बर नहीं थे उसके अलावा इन्होंने तोड़ दिए, जिससे हमारे वकीलों में अधिवक्ताओं में काफ़ी रोष है। क्योंकि एक अधिवक्ता कम से कम 30 साल की उम्र में आता है यहाँ जी, उसके बाद में उसका परिवार होता है और उसका घर उजड़ जाता है, तो उसका दुख तो हो गई। प्रशासन का कहना है अतिक्रमण हटाया गया है। देखिए वो अतिक्रमण नहीं था जो इन्होंने करा है, कल वो गलत करा है इन्होंने। हमारा ये कहना है जो चैम्बर हमने लगवा दिए हैं वो वहीं लेंगे, और जो जिन्हें हटवाना है उनके लिए हम डीजे के माध्यम से इनसे वार्तालाप करेंगे, और वार्तालाप करके उनके लिए जगह दिलवाएंगे, उसके बाद हटेंगे। तो अभी क्या हड़ताल वगैरह जारी रहेगी? आज नहीं, ये हड़ताल तो हमारी बार काउंसिल की है आज और कल। 22 जिलों के आह्वान पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश खंडपीठ स्थापना के लिए आज की बार काउंसिल सब ने आया। ये बार काउंसिल के आह्वान, जो अतिक्रमण में चैम्बर हटाए गए उसके लिए डीजे से बात हो गई है। कल 4 बजे के बाद में डीएम और डीजे के दोनों के चैम्बर में बैठ के वहाँ बात होगी, और उसके बाद ही कोई समाधान होगा। करके वकीलों में नाराजगी है, तो उसके लिए पुलिस सुरक्षा लगाई गई है, क्या हालात हैं और क्या मामला है? कल ये नगर निगम ने इंक्रोचमेंट हटाया था कचहरी के सामने रोड पे, तो ये जब पुलिस बल ने सुरक्षा वहाँ पे प्रोवाइड की थी, तो वकील जो हैं उन्होंने उसका विरोध किया है, और उसके अगेंस्ट वो आज डीएम साहब को ज्ञापन देने वाले हैं, तो उसके रिगार्डिंग हमने सुरक्षा व्यवस्था में यहाँ पे पुलिस डिप्लॉयमेंट किया है। सर, जो कल हटाए गए थे वकीलों के कुर्सी टेबल है, वहाँ पर दोबारा भी लग चुकी हैं कुछ? वो नगर निगम ने जो चिन्हित किया था उन्हीं को हटाया गया था, अब उन्होंने दोबारा किया है, तो नगर निगम के ही रिक्वेस्ट पे, अगर नगर निगम उसमें फिर से एक्शन लेता है तो पुलिस उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। क्या दोबारा जो अतिक्रमण कर रहे हैं उनको मुकदमा लिखा जाएगा? वो अगर नगर निगम हमें देता है कोई तहरीर तो उस पर मुकदमा दर्ज होगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.